अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हो कि कल हमने इंडियन हिस्ट्री का पहला टॉपिक जो पढ़ा, तो मैंने उसमें आपको ओवरव्यू दी थी सिर्फ कि मतलब पढ़ना कहाँ कहाँ से है, किस किस टॉपिक को पढ़ना है। तो हमने क्लियर किया था एंशंट हिस्ट्री को और मेडिवल हिस्ट्री को। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो एंशंट हिस्ट्री है इसको छोड़ देते हैं आज के लिए, तो एंशंट हिस्ट्री में आज हमें कुछ भी नहीं करना है। तो मेडिवल पोर्शन को थोड़ा सा, और उसके बाद जो मॉडर्न है उसमें तो बहुत सारा है। तो अभी आप गौर कीजिए, जो मेडिवल है, कल मैंने एक फार्मूला दी थी यहाँ पर आपको, तो जो जाकिर खान का मैंने आपको बताया था, तो जाकिर खान का एक इम्पोर्टेंट डायलॉग सख्त सा लोंडा, तो SKTL सख्त सा SA सा लोंडा एल, तो आसान होता है ऐसे फार्मूला से। इससे क्या होता है, इन फार्मूला से एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपके जहन में बन जाता है, जिस वजह से आप एग्जाम में कम से कम अगर एक या दो सवाल ऐसे आते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में तो आप आराम से कर सकते हो, तो आप आराम से उनको कर लेते हो। तो पहला साखित सा लोंडा एस का मतलब स्लेव डायनास्टी, स्लेव के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तगालुक, तगालुक के बाद सईद, सईद के बाद अफगान, अफगान के बाद लोदी, और लोदी के बाद अगर हम बात कर लेंगे तो लोदी के बाद आ गए यहां पर मुगल्स। मुगल्स यहां इस फार्मूला में, सख्त सा लोंडा इस फार्मूला में नहीं है, मगर मुगल्स तो इंपॉर्टेंट है, तो मुगल्स के लिए एक अलग फार्मूला। मुगल्स में हमें क्या याद रखना है, मुगल्स में एक्चुअली हमें जो बादशाह आए थे यहाँ पर, जिन्होंने हुकूमत की यहाँ पर, उनको याद रखना है। तो इन मुगल्स को आज हम कई किस तरीके से याद रखेंगे, जो मुगल का पीरियड है, मुगल्स का पीरियड जो है वो लंबे अरसे तक रहा। 1526 में इन्होंने यहाँ पर कदम रखा, 1526 में, और 1857 तक इन्होंने हुकूमत की, 1857 तक। तो मुगल जो है 1526 to 1857, तो 57 जो बगावत रिवोल्ट था 1857 का, तब तक तो मुगल्स थे यहाँ पर। इन मुगल्स के दो इद्वार है, दो दौर है, दो पार्ट्स है। कैसे, पहले कुछ किंग्स है इनमें, कुछ बादशाह इसमें है जो स्ट्रांग थे, ताकत में ताकत उनकी बहुत थी। तो उसके बाद जो छह किंग्स के बाद जो जितने भी आ गए तो उनको कहते हैं वीक, तो वो वीकर थे क्योंकि वो सेहत से वीक नहीं थे, बल्कि वो वीक थे इस लिहाज से कि उनको हुकूमत करनी नहीं आई और अंग्रेज फिरंगी हम पे हावी हो गए, और उसकी वजह से हम 200 साल गुलाम रहे अंग्रेजों के। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाते हैं यहाँ पर, तो इस दौर में मुगल को देख लेंगे अच्छी तरीके से, तभी आपको ये वाला टॉपिक, जो मॉडर्न वाला टॉपिक है, मॉडर्न टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये कहां से शुरू होता है, एक्चुअली इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 से लेके 1947 तक, यानी कि जो 1857 यहां पर रिवोल्ट हुआ था फर्स्ट, इसको कहते भी है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ओरिजिनल इंडिपेंडेंस तक, यहाँ 1947 तक जब हमें आजादी मिली, तो यहाँ तक इंडियन नेशनल मूवमेंट मानी जाती है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, तकरीबन इसमें 50 टॉपिक्स ऐसे हैं जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं मगर इम्पोर्टेंट है। अगर ये 50 नहीं पढ़े तो समझ लो कम से कम अगर इसमें जितने भी मार्क्स होंगे तो 70% इसी से आता है, 70 to 80%, तो आपने 80% मतलब छोड़ दिए। तो अगर हम मुगल्स की पहले बात कर लेंगे, मुगल्स को क्यों, मैं मुगल्स से क्यों यहाँ पर जुड़ा हूं इतना ज्यादा, क्योंकि मुगल्स को ही समझना है तो आपको ये वाला पोर्शन स्ट्रांग बन जाएगा। जब तक मुगल्स स्ट्रांग नहीं है आपके, आपने इस पोर्शन को अच्छी तरीके से नहीं समझा, तो ये वाला पोर्शन आपका स्ट्रांग नहीं बन सकता। तो क्यों नहीं बन सकता, तो पहले थोड़ा सा इसमें देख लेंगे। जो मुगल्स है, अभी मॉडर्न को छोड़ देते हैं, मॉडर्न तो अभी हम इसको टच नहीं कर लेंगे, मगर जिस पोर्शन में इस वक्त हम बात कर रहे हैं तो ये तो मॉडर्न ही है, मगर थोड़ा सा ये मिडीवल का भी है। अगर पहले मुगल्स को देख लेंगे, तो मुगल्स की एक फॉर्मूला है,
एक फॉर्मूला है सब्जी सॉरी 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 बाजी, ये फॉर्मूला है सब्जी फॉर मसाब। तो बी का मतलब क्या, यह हो गया बाबर, एच हुमायूं, ए अकबर और जे आई का मतलब जहांगीर। यहां पर आप देख लेंगे बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर। तो ये हो गई ये वाली फार्मूला, एक वाला हिस्सा। तो फिर उसके बाद जो जहांगीर का बेटा था वो एस से वो हो गया शाहजहां। शाहजहां के बाद ए हो गया औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह, बहादुर शाही जाफर। बहादुर शाह, तो यहां तक ये माना जाता है कि ये स्ट्रांग रूलर्स थे। ये जो सीडी है अगर इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप देख लेंगे जो हायरार्की ऑर्डर है इनका, तो बाबर अगर इस हायरार्की पे आप देख लोगे तो पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब और उसके बाद बहादुर शाह। तो इनको मानते हैं इंडियन हिस्ट्री में, शायद जितने भी मुगल थे, जितने भी आए थे, तो इनको मानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग मुगल थे। तो ये चीज आप याद रखिए कि ये स्ट्रॉन्ग मुगल। इसके बाद जितने भी मुगल थे वो वीक थे। तो यहां से जे आई ये बन गया जानदार शाह, जानदार शाह। जानदार शाह के बाद फौर, फौर का मतलब फारूक सियार, फारूक सियार के बाद एम हो गया महमूद शाह। एस का मतलब अहमद शाह। ए का मतलब आलमगीर सेकंड। ए का मतलब अकबर सेकंड और बी का मतलब है बहादुर शाह, बहादुर शाह सेकंड। तो यहां से ये फार्मूला में सिर्फ ए एस जो है ये बनता है अहमद शाह यहां पर। तो यहां से पांच किंग्स बराबर, यहां से पांच, यहां से एक, यहां से चार, यहां से भी चार। तो कुल मिला के अगर देख लेंगे पांच और हो गए छह, छह चार हो गए दस, दस चार हो गए चौदह, चौदह मुगल आए थे। इन्होंने कितना वक्त यहां पर बिताया, 1526 से लेके 1857 तक, 1857 तक इनका दौर रहा है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, हमें क्या पढ़ना है इसमें, इसमें दरअसल बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सारा है ही इंपॉर्टेंट। यहां पर अगर आप देखेंगे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो पहला था मुगल, तो इसने ये चार ही साल यहां पर रहा, 26, 27, 28, 29 और 30 को इस दुनिया से ही चले गए। तो 26 में पहली जंग, 27 में भी जंग, 28 में भी जंग, 29 में भी जंग। तो चार साल यहां पर रहा, चार सालों में चार जंग, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ कन्नूज, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ गागरा, तो चार जंग। तो इस वजह से जब जंग 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 चली तो ऑटोमेटिकली जो जंग ज्यादा लड़ता है तो उसके दुश्मन भी बहुत ज्यादा होते हैं। उस वजह से जब ये इस दुनिया से चला गया तो दिक्कत हुमायूं पे आ गई। तो हुमायूं कुछ ही साल यहाँ पर रहे, तो उसके बाद इसको एक्साइल किया गया, ये इसको यहां से भगा दिया गया। जिस दौर में ये भाग गया यहां से, उस दौर में क्या हुआ, यहां पर और एक डायनास्टी आ गई, उसको कहते हैं सूर डायनास्टी।
जो शेरशाह सूरी ने बनाई थी, शेरशाह सूरी एक्चुअली मिलिट्री जनरल था बाबर के फौज में, तो उसने बहुत अरसे तक हुकूमत की यहाँ पर, तो उसका असली नाम था फरीद खान, तो बाद में उसका जो ये मतलब टाइटल उसको मिला शेरशाह सूरी, तो वो बहुत देर तक यहाँ पर रही। उसके बाद शेरशाह सूरी की डायनास्टी को खत्म करने के बाद यहाँ पर हुमायूं वापस आ गया और इसने फिर से हुकूमत की। इंडियन हिस्ट्री में जब भी हम पढ़ते हैं तो हुमायूं के दो दौर आते हैं, और क्योंकि पहले वाले दौर में इसको भगा दिया गया और दूसरे दौर में वो जो डायनास्टी आई थी सूर डायनास्टी वो खत्म हो गई थी। उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब और बहादुर शाह, तो इस इनके दौर में मतलब इन्होंने बहुत सालों तक ये हुकूमत की। अकबर तकरीबन 50 साल, जहांगीर 27 साल, ऐसी शाहजहां मतलब तो बहुत सारा। तो इस दौर में इन्होंने बहुत सारी मतलब जो जंगे हुई बाकी बादशाहों के साथ, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर उस वक्त बहुत सारी ऐसी हुकूमतें थी जिनके साथ इन्होंने लड़ा, तो उन जो बैटल्स इनके दरमियान हुई थी मगल और बाकी सल्तनतों के दरमियान, उनको हमें अच्छी तरीके से याद रखना है क्योंकि एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। तो बाद में ये वाला हिस्सा जो है, जो वीकर मगल्स थे, तो इनके बारे में भी, इनकी जो ये वीकर मगल्स थे इन्हीं की लापरवाही की वजह से उन्होंने जो फिरंगी थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने काबू पा लिया बंगाल पे और पूरे हिंदुस्तान पे। तो ये हो गया मगल्स का। मगल्स के बाद जो इम्पोर्टेंट है, जो जो मैं ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ, वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, कि मतलब कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। एक्चुअली वो सिर्फ ओवरव्यू चल रहा है अभी कि हमें क्या करना है। इस दौर में हमें, इस मगल दौर में हमें बंगाल के बारे में भी पढ़ना है, इस दौर के में हमें बेंगलोर के बारे में पढ़ना है, और इस कर्नाटक वार्स के बारे में पढ़ना है, मराठा के बारे वार्स के बारे में पढ़ना है, मराठा और जो सिख वार्स हुए, मराठा वार्स हुए, चाहे फ्रेंच से हुए, चाहे अंग्रेजों से हुए, इंग्लिश वालों के साथ हुए, जिन लोगों के साथ भी हुए, वो उनको हमें एक एक करके अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो ये हो गया मगलस का। मगलस के बाद डायरेक्टली हम आते हैं 1857 की रिवोल्ट पे। तो यहाँ पर और एक चीज आप याद रखोगे, तो जो स्लेव डायनास्टी थी, स्लेव डायनास्टी 1200 से स्टार्ट होती है, 1206 से, एक्चुअली 1206 से यहाँ तक 1526 तक, तो डेट तो बराबर आपको याद रखना पड़ेगा। मैं आपको अपने टॉपिक पे हर किसी डायनास्टी का ये भी बता दूंगा कि इसने कितना वक्त गुजारा और इसमें कौन कौन से किंग्स थे, कौन कौन से बादशाह थे जिन्होंने हुकूमत की है, और अगर उन्होंने कुछ बनाया तो ये कंस्ट्रक्टिव है उन्होंने जो मतलब, जैसे मगल दौर का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये शाहजहां का पीरियड माना जाता है कि ये कंस्ट्रक्टिव दौर था, और यहाँ पर जो सूर डायनास्टी आई थी उन्होंने भी बहुत कंस्ट्रक्शन की थी, खासकर उसमें ग्रैंड ट्रंक रोड है यहाँ पर। अगर हम देखेंगे इस वाले दौर में आगरा का फोर्ट है यहाँ पर, इसमें ताजमहल है, तो बड़ी बड़ी चीजें मैं भी बता रहा हूँ आपको, मगर आपको मैं फिर बाद में सारी चीजें बता दूंगा जो भी इन्होंने किया यहाँ इस धरती पे। तो या इस वाले पोर्शन को आप छोड़ ही देते हैं अभी अभी के लिए, क्योंकि अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उसके बारे में देखेंगे, कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से हॉट टॉपिक्स है जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो है ही सारा वहां पर, मगर फिर भी ओवरव्यू में आपको दूंगा कि पढ़ना क्या है। कम से कम उस वाले पोर्शन को आप कभी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि वो वाला पोर्शन बहुत ही मजेदार, और क्योंकि वो तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देख लेंगे तो वो एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पोर्शन है इंडियन हिस्ट्री में। तो पहला, अगर मॉडर्न की बात कर लेंगे, मैंने मॉडर्न को ही टच किया अभी, इसी का ओवरव्यू दूंगा, मगर मॉडर्न तो मगल में भी है, मगल भी इसी दौर में आते हैं। तो इस वाले पोर्शन में जो एक्चुअली इंडियन नेशनल मूवमेंट अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, तो पहला वाला जो टॉपिक है वो है रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यहां से ये जो बगावत हो गई तो इसके बारे में हमें पढ़ना है, डायरेक्टली जंप करना है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, फॉर्मेशन 1885 में ये बना,
तो फिर दूसरा टॉपिक यही है। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है मॉडरेट फेज, ये तो मॉडरेट फेज ही है, यहाँ से मॉडरेट फेज। तो मॉडरेट फेज माना जाता है 1885 से लेके 1905 तक। तो 1905 में अगर आपको पता हो तो उस वक्त पार्शियन ऑफ बंगाल हुआ था, पार्शियन ऑफ बंगाल हुआ था इस वाले दौर में, पार्शियन ऑफ बंगाल। जब पार्शियन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में, तो उस वजह से एक्सट्रीमिज्म आ गए, तो ये हो गया इसके बाद एक्सट्रीमिस्ट फेज। नाइनटीन जीरो फाइव से लेके 1917 तक। क्यों वहां तक? क्योंकि वहां से फिर गांधीन एरा स्टार्ट होती है। तो एक्सट्रीमिस्ट फेज के बाद यहां पर 1905 में हम पहुंच गए। 1905 के बाद क्या हुआ? मुस्लिम लीग बन गई यहां पर। तो उसके बाद मुस्लिम लीग, अच्छा अगर यहां पर देख लेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेज के बाद, जो उसके बाद स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट आ गई, क्योंकि फिर तो हड़तालें शुरू हो गई और फॉरेन जितना भी मटेरियल आता था उस पे बैन लगा दी गई। तो यहां से स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, बायकॉट मूवमेंट यहां से आ गई। तो फिर उसके बाद सातवां जो है वो है 1906 की बात, जब मुस्लिम लीग बनी। यहां पर फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हो गई 1906 में। उसके बाद 1907 में क्या हुआ? सूरत सुप्लेट। सूरत सुप्लेट का मतलब, सूरत सुप्लेट 1907 में हुआ। इस वक्त यहां पर एक दीवार खड़ी हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की, दो ग्रुप में, दो पार्ट्स में, जो ये मॉडरेट थे और एक्सट्रीमिस्ट थे, इनके बीच में एक दीवार खड़ी हो गई, जिसकी वजह से सूरत में इन दो दो पार्टियां जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, दो पार्टी जो थे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, उन्होंने आपस में भाईचारा तोड़ दिया। तो उसी इसीलिए इसका नाम पड़ा सूरत सुप्लेट। तो ये हो गई आठ चीजें जबरदस्त जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में मानी जाती है। तो आठ ही नहीं है एक्चुअली, इंडियन नेशनल मूवमेंट में 50 ऐसी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, मगर अभी हम सिर्फ ओवरव्यू की बात कर रहे हैं। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि मतलब पढ़ना क्या है। तो उसके बाद जो नवा, यहां पर जो नाइन्थ वाला टॉपिक जो है सूरत सुप्लेट, सूरत सुप्लेट के बाद मुरली मिंटो रिफॉर्म, तो मुरली मिंटो रिफॉर्म यहाँ पर ये 1909 में हुआ था, ये मुरली मिंटो रिफॉर्म। मुरली मिंटो, सॉरी यहाँ पर मैं एक चीज मैंने यहाँ पर कलकत्ता सेशन छोड़ दिया, वो छोड़ने वाली चीज नहीं थी, वो भी 1907 की ही है, तो उस चीज को भी आप याद रखेंगे। 1906 की, 1906 की वो तो छोड़ दो यहाँ पर। अब ये ओवरव्यू है मुरली मिंटो रिफॉर्म। मुरली मिंटो रिफॉर्म के बाद होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट के बाद लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट। फिर उसके बाद अगस्त डिक्लेरेशन,
अगस्त डिक्लेरेशन के बाद पूना पैक्ट पूना पैक्ट। तो ये होगी 13 पार्ट्स है, ये 13 टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है इसमें। सॉरी यहाँ पर पूना पैक्ट नहीं है, 13th है, सॉरी सॉरी यहाँ पर गलत हुआ, 13th था यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर गांधीन एरा है, 13th जो है ये गांधीन एरा स्टार्ट हो गई। तो ये गांधीन एरा है, यहाँ से महात्मा गांधी वापस आ गए अपने मुल्क, वो पढ़ने के लिए बाहर गए थे तो फिर वो वापस आ गए। तो ये हो गया 13th टॉपिक। तो उसके बाद जो हमारा गांधीन एरा के बाद रोल्ट एक्ट, रोल्ट एक्ट के बाद क्या आया था, जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर यहां से मैं रब करता हूं, यहां पर 16 से लिखेंगे, तो इसको भी मैं रब करता हूं, बाद में देख लेना रिवाइज करके। जलियांवाला बाग के बाद मैंने क्या कहा था, तो रॉल्ट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग उसके बाद खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन, चोरी चोरा इंसिडेंट, हर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट। चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद स्वराज पार्टी, आप इसके बाद जब मैं ये सारे टॉपिक्स आपको बता दूंगा तो आप खुद देख लोगे कि मतलब इनमें आप कोई स्किप कर सकते हो या नहीं, तकरीबन तकरीबन कोई भी नहीं। स्वराज पार्टी के बाद साइमन कमीशन, तो उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, तो ये हो गई यहां तक 24 तक। तो यहां से लिखेंगे बाकी, जलियांवाला बाग खिलाफत मूवमेंट, डॉन कॉपरेशन, चोरा चुराई इंसिडेंट, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और 40 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। तो उसके बाद है लाहौर सेशन, डांडी मार्च, यहां पर लाहौर सेशन, डांडी मार्च, लाहौर सेशन के बाद डांडी मार्च, डांडी मार्च के बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर उसके बाद ही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद कम्युनल अवार्ड्स आए थे, कम्युनल अवार्ड्स,
28 और उसके बाद 29वां वो था पूना पैक्ट। तो यहाँ पर इतने आगे अभी ये इम्पोर्टेंट है, मैं आपको इंशाल्लाह इनकी हर कोई डेट बता दूंगा ये कब कब हुए हैं। उनतीस के बाद 30वां वो है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और 31वां क्या है वो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो ये वाला टॉपिक है 31वां जो मैंने यहाँ पर लिखा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है मगर खासकर जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं वहां पर हम एक टॉपिक पहले ही टच करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड, उसको कहते हैं कि बैग ऑफ बारोइंग। तो बैग ऑफ बारोइंग मतलब हमने बहुत सारे ममालिक से, बहुत सारे मुल्कों से कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स लाए हैं। तो उसमें ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी हमने बहुत सारी चीजों को लिया है। तो इस लिहाज से ये यहाँ हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट और इंडियन पॉलिटी में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हो गए 31 टॉपिक्स। तो 31 के बाद बाकी टॉपिक्स भी आपको यहां पर ही बता दूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा, मैं पहले इसको रफ कर लूंगा। फिर यहां पर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन, ये हुए 32 टॉपिक्स। फिर उसके बाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बाद, पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बाद क्या हुआ था, उसके बाद अगस्त ऑफर आ गया था, अगस्त ऑफर के बाद फिर आ गई इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस के बाद क्रिप्स मिशन आ गया, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस। उसके बाद इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस के बाद मैंने आपसे क्या बताया था, क्रिप्स मिशन आया था यहां पर, क्रिप्स प्लान या क्रिप्स मिशन। तो उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, संतीश तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद क्या हुआ, तो उसके बाद महात्मा गांधी का फास्ट, गांधी इज फास्ट। तो यहां पर गांधी इज फास्ट तो हो गए 38, 38 फिर है 39th, उसके बाद चित्तरंजन सी आर फॉर्मूला आई थी, इसके बाद सी आर फॉर्मूला, सी आर फॉर्मूला के बाद एक इम्पोर्टेंट वेवलेस प्लान आया था, वेवलेस प्लान और इंडियन नेशनल आर्मी ट्राई, वेवलेस प्लान
तो यहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो उसके बाद बेबल्स प्लान के बाद इंडियन नेशनल आर्मी, इसमें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, जिसकी बदौलत आपको ये बराबर ये 50 पॉइंट्स याद रहेंगे। उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी, फिर है कैबिनेट मिशन, रॉयल इंडियन नेवी, इंडियन रॉयल नेवी के बाद आता है कैबिनेट मिशन। रॉयल इंडियन नेवी के बाद कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के बाद आता है, कैबिनेट मिशन के बाद है डायरेक्ट एक्शन कैंपेन। उसके बाद फिर इंटर्न गवर्नमेंट आ गई थी, फिर यहाँ से कैबिनेट मिशन के बाद इंटर्न गवर्नमेंट आ गई थी, इंटर्न गवर्नमेंट आ गई थी यहाँ पर। तो इंटर्न गवर्नमेंट के बाद फिर इंडिपेंडेंस एक्ट से पहले, इंडिपेंडेंस एक्ट लास्ट है, इंडिपेंडेंस एक्ट से पहले आ गई थी, फॉर्मेशन हो गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उसके बाद छठा क्लाइमेट एटलीज प्लान जो आया था, एटलीज अनाउंसमेंट, क्लाइमेट एटलीज जो एटलीज अनाउंसमेंट। फिर उसके बाद आ गया माउंटबेटन्स प्लान, माउंटबेटन्स प्लान के बाद आ गया था इंडिपेंडेंस एक्ट। माउंटबेटन्स प्लान, उसके बाद 48वां इंडिपेंडेंस एक्ट। तो ये हो गई लास्ट, तो यहां पर आजादी, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस एक्ट तो इसी में आती है, फिर आजादी हमारी 1947 की। तो ये इस वाले पोर्शन को जहां से मैंने इलाबरेट किया इंडियन नेशनल मूवमेंट को, ये है 1850 से लेके 57 से लेके बराबर 1947 तक। तो जितने भी ये टॉपिक्स मैंने अभी इलाबरेट किए कि किस किस को पढ़ना है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, तो इन टॉपिक्स को इंशाल्लाह हम एक ही करके पढ़ लेंगे, कभी दो भी तीन भी चार भी हम पढ़ सकते हैं एक दिन में। तो जैसे मैंने पहले 5-8 टॉपिक्स बता दिए, तो वो एक ही लेक्चर में वो हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मगर आपको इस चीज के लिए मेहनत करनी होगी बहुत ज्यादा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको सब कुछ, मतलब आपको हर कोई चीज, हर कोई टॉपिक वो क्लियर हो जाए, फिर आपको मेरी चैनल के साथ जुड़ना होगा, आपको मेरा हर कोई लेक्चर आपको देखना होगा, उस वजह से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इंशाल्लाह। मुझे यकीन है, उम्मीद है कि आप जो मेरी चैनल है बस जनरल स्टडीज, आप उसको सब्सक्राइब भी कर लोगे, उसको लाइक भी कर लोगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, और उस वजह से आप इन क्लासेस का, जो आज ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, इनका भरपूर फायदा उठाओगे। आई होप कि आपने इतना समझ लिया होगा। और उसके अलावा जो भी मैंने बता दिया, खासकर बस इतना ही पोर्शन नहीं है, इंडियन हिस्ट्री के अलावा बाकी पोर्शंस भी है, उनको भी हम देख लेंगे, मगर पहले इस वाले पोर्शन को खत्म कर लेंगे। अभी बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं जेके एसएसआरबी के, तो मुझे यकीन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि आप इससे फायदा उठाओगे। आई होप इट इज एनफ फॉर टुडे, इंशाल्लाह हम कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।